नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है शुभम किशोर। आप देख रहे हैं लगातार 9 और 10 तारीख को झारखंड आदिवासी महोत्सव होने वाला है और ये बिरसा मुंडा उद्यान में होने वाला है। पहले ये रांची जेल हुआ करता था, उसके बाद इसे बिरसा मुंडा उद्यान बनाया गया। ये तस्वीर देख सकते हैं, भगवान बिरसा मुंडा की बड़ी सी प्रतिमा यहाँ लगाई गई है एंट्री के साथ, और इसके बाद अंदर है बिरसा मुंडा संग्रहालय। उसके आगे की तस्वीर दिखाएंगे, यहाँ पे इस महोत्सव में क्या क्या मिलने वाला है, कहाँ कौन सा स्टॉल लगा हुआ है और क्या क्या चीज़ें खास है यहाँ पे इस महोत्सव को लेकर। झारखंड आदिवासी महोत्सव को लेकर पूरी तरह से तैयार है, आपको अंदर की पूरी तस्वीर दिखाएंगे कि आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा। 9 और 10 तारीख को पूरी तरह से ये बिरसा उद्यान जो है वो सज कर तैयार है। ये पहले पुराना रांची जेल हुआ करता था, यहाँ पे बिरसा उद्यान बनाया गया, बिरसा मुंडा उद्यान, और यहीं पे ये महोत्सव किया जा रहा है। यहाँ पे ये महोत्सव क्यों किया जा रहा है ये भी आपको आगे की वीडियो में दिखाएंगे, और कहाँ पे कौन सा स्टॉल लग रहा है और मुख्य मंच कहाँ पे है, क्या क्या होने वाला है यहाँ पे, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। आदिवासी महोत्सव को लेकर तैयारियाँ जोरों पर हैं और हमारे साथ हैं रांची की DDC दिनेश कुमार यादव जी। सर, कैसी तैयारियाँ चल रही हैं? देखिए, तैयारियाँ जोर शोर पर हैं, थोड़ा बारिश के चलते थोड़े हिकअप्स आ रहे हैं, बट सारी टीम को यहाँ पर तैनात कर दिया हमने, और जितनी भी तैयारियां हैं जो परसों और उसके अगले दिन जो कार्यक्रम चलेगा दिन भर, तो उसकी तैयारियां पूरी चल रही हैं, चाहे स्टेज की हो, चाहे डिस्प्ले की हो, चाहे मूवी की हो, चाहे पैनल डिस्कशन की हो, तो सभी को हमने निर्देश दे दिए हैं। स्टेट की टीम भी यहाँ पे विजिट के लिए आई थी और ज़िले की टीम के सारे ऑफिसर्स भी यहाँ पे हैं, तो सभी को हमने डायरेक्शन दे दिए हैं और होपफुली सब अच्छा रहेगा। एक मानसून में जो बारिश हो रही है उसके चलते थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसका भी इंतज़ाम हमने पूरा पुख्ता किया है, चाहे वो पार्किंग हो, चाहे वो फिर ये वाटरप्रूफ टेंट्स हो, चाहे खाना पीना हो, तो सभी की तैयारियां हम जोर शोर पर। झारखंड के अलावा बाहर से मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं, उनके ठहरने वगैरह की व्यवस्था भी आप लोगों के द्वारा की गई है? ठहरने की व्यवस्था इस सच नहीं की गई है, बट यहाँ पर हमने पूरा इंश्योर किया है कि उनको यहाँ अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे खान पान की हो, चाहे बैठने की हो। काफ़ी बड़ा हमारा कैंपस है इसका, तो उसमें सारे इंतज़ाम हमने किए हैं, बट बाहर ऐसा हमने कोई प्रावधान नहीं किया। आम पब्लिक भी उस दिन आएगी, एंट्री रहेगी, उनके लिए क्या व्यवस्था, कैसे एंट्री है, क्या टिकट है या फिर फ्री है? नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और आम जनता को बिल्कुल सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं और उम्मीद की जा रही है और अपील भी है जनता से कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। जैसे कि पिछले साल भी काफ़ी सक्सेसफुल कार्यक्रम रहा था, तो इस साल भी हमारी वही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, और इसके लिए हमने पूरे शहर में प्रचार प्रसार भी बहुत व्यापक तौर पर किया है, तो उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा टर्नआउट रहेगा और हम अच्छे से उनको अकोमोडेट कर पाएंगे। आदिवासी जनजाति महोत्सव को लेकर रांची पूरी तरह से तैयार है और यहाँ पे ये मुख्य मंच है जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पे भी जोर शोर से तैयारियाँ की जा रही हैं और ये आप देख सकते हैं सारे लोग हैं जो ये मुख्य मंच को बनाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। ये VIP एरिया है, वो आपको मुख्य स्टेज आपको दिखा देते हैं, वहाँ मुख्य स्टेज है, वहीं पे माननीय अतिथिगण मौजूद रहेंगे और इस वक्त यहाँ पे तैयारियाँ जोरों पर हैं। थोड़ी सी परेशानी हुई है क्योंकि बारिश ने थोड़ा सा दखल दिया है इस इनके कामों में, इसलिए थोड़ा सा देरी हो रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए LED लाइट्स वगैरह लगाए गए हैं चारों तरफ की, दूर से जो पीछे भी बैठे उन्हें भी साफ नज़ारा दिखे, ये चारों तरफ LED लाइट्स लगाई जा रही है और यहाँ बैठने के लिए यहाँ कारपेट वगैरह लगाए जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे फ्लैग्स, बैनर, जितना भी प्रचार प्रसार का काम है वो सारा चल रहा है। बैठने की व्यवस्था भी रहेगी, आम नागरिकों के लिए एंट्री फ्री रहेगी, जैसा कि DDC साहब ने बताया। यही मुख्य मंच है, इसके अलावा आगे की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कहाँ क्या है। तो ये जो जगह है यहाँ पे आदिवासी फूड, पारंपरिक फूड यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर दीदी किचन भी लगाया जाएगा जो JSLPS के द्वारा लगाया जाता है। महोत्सव में पारंपरिक व्यंजन जैसे राइस डम्बू, मड़ुआ डम्बू, धुसका घुगनी, मड़ुआ पकौड़ा, मार झोर, दाल पिठा, ये सब भी आइटम मिलने वाले हैं। और यहाँ पे आपको दिखा दें वो जो डोम है, हर एक डोम में अलग अलग स्टॉल रहेंगे, अलग अलग फूड्स रहेंगे। 9 तारीख का जो नज़ारा है, 9 और 10 तारीख का महोत्सव का, वो अलग नज़ारा रहेगा, व्यंजन सज चुके रहेंगे और स्टॉल भरा रहेगा और यहाँ पे पारंपरिक आदिवासी जो फूड हैं आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। आदिवासी महोत्सव में वैसे तो बहुत कार्यक्रम होने वाले हैं, लेकिन जो मुख्य तौर पे रहेगा, मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा, वो रहेगा लेज़र शो। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी लेज़र शो वाले इलाके में जहाँ पे ये लेज़र शो होने वाला है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट डोम बनाया गया है और आगे फाउंटेन है, वो फाउंटेन के पास ही लेज़र शो करवाया जाएगा और यहाँ पे अलग अलग आकृतियाँ लेज़र के द्वारा बनाई जाएंगी, जिससे ये महोत्सव में चार चांद लगने वाला है और इसकी तैयारियाँ भी पूरी तरह से की जा रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे
सारे पिलर्स वगैरह लगा दिए गए हैं, आगे लाइट्स वगैरह भी पूरी तरह से लगा दी गई हैं। दो दिन बचे हैं, आज 7 तारीख हो गया, 9 तारीख को उद्घाटन है, 10 तारीख को CM उद्घाटन करेंगे इस मेले का, इस महोत्सव का। उसके बाद 9 और 10 तारीख को यहाँ ये पूरी तरह से गुलजार रहेगा। रतनी में राज्य भर के आकर्षक स्टॉल भी लगाए जाएंगे जो अलग माहौल पैदा करेंगे, जिससे पारंपरिक आदिवासी आभूषणों के प्लास के ब्रांड रहेंगे, जिसमें प्लास ब्रांड है। JSLPS के द्वारा ग्रामीण विकास द्वारा जो स्टॉल लगाकर सखी मंडल के विकास के लिए किया गया है, वो उनके भी स्टॉल लगाए जाएंगे यहाँ पे। महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पाद प्लास अदीवा ब्रांड के प्रदर्शनी भी यहाँ पे लगाए जाएंगे और ये बिक्री के लिए भी उपलब्ध रहेगा। खाद्य और गैर खाद्य दोनों तरह के उत्पादन लगाए जाने वाले हैं। अदीवा ब्रांड जो है उसके तहत पारंपरिक आभूषण के भी यहाँ पे स्टॉल लगेंगे, जहाँ से आप देखने के अलावा यहाँ से खरीदी भी कर सकते हैं। लोक पारंपरिक आदिवासी महोत्सव में पर ये देख सकते हैं आप, उसी तरह का लुक देने का कोशिश किया गया है, एकदम पारंपरिक। ये जूट की ये जो पिलर में है ये जूट दिया गया है और इसी पे कलाकारी की गई है, रंग रोगन किया गया है, ऊपर मचान टाइप का बनाया गया है, ये पुआल से मचान बनाया गया है, शेड दिया गया है। यही इस महोत्सव की खूबसूरती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से पारंपरिक लुक दिया गया है पूरे महोत्सव को। बिरसा मुंडा संग्रहालय में आ चुके हैं और अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। यही आपको होने वाला है, फिल्म फेस्टिवल होने वाला है, इधर ही चर्चाएं होने वाली हैं, लेकिन क्यों होने वाली हैं, ये मुख्य कारण है यहाँ पे बिरसा मुंडा संग्रहालय और बिरसा मुंडा उद्यान में ये महोत्सव होने का, क्योंकि यहाँ पे पहले से ये सब बना के रखा हुआ है। आदिवासी जीवन की झलकियाँ हैं, कैसे आदिवासी रहते थे उस समय, वो सब यहाँ दिखाया गया है। ये जो चूल्हा है, चूल्हा पे खाना बनाते हुए, ये काम करते हुए, ये सारे आदिवासियों की औजार बनाते हुए, ये सारे जो तस्वीरें हैं ये पहले से यहाँ पे गढ़ी जा चुकी हैं, कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते थे, ये आयोजन करना ज़्यादा आसान हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी जगह तस्वीरें लगाई हुई हैं, कौन सा पेड़ है कैसा पेड़ है, ये पूरा जंगल वाला व्यू दिया गया है और आदिवासी माहौल वाला यहाँ पे व्यू दिया गया है। यहाँ पे तरना कुंज, असुर समुदाय, जितने समुदाय हैं उनके बारे में यहाँ लिख कर बताया भी गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बिरसा मुंडा संग्रहालय के अंदर की है। यहाँ एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया है, आदिवासी समुदाय अपनी जीविका के लिए काफ़ी हद तक कृषि पर ही निर्भर रहते थे, इसी को दिखाया गया है। लोक वनस्पति विज्ञान को दिखाया गया है यहाँ पे। तो ये तस्वीर बिरसा मुंडा संग्रहालय के अंदर की है और 9 और 10 तारीख को ये और भी खूबसूरत लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था काफ़ी अच्छी की गई है और तैयारियाँ जोरों पर हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं सरहुल पर्व को दिखाया गया है। सरहुल बसंत ऋतु में मनाया जाता है, जब साल वृक्षों पर पहले फूल खिलते हैं, जब पहले साल के फूल खिलते हैं उस समय सरहुल मनाया जाता है, उसकी तस्वीर भी यहाँ दिखाई गई है। इसके अलावा आगे के तस्वीरों में देख सकते हैं करम पूजा को दिखाया गया है, ये भी वनस्पति पूजा है, ये वर्षा ऋतु के समय एकादशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन करम देव से आशीर्वाद लेकर उनसे अच्छी वर्षा की कामना की जाती है। किस तरह से ये लोग फेस्टिवल मनाते हैं, कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं, उन सबको दिखाया गया है। यहाँ हाट दिखाया गया है जहाँ पे रहते हैं, ये घर का एक प्रारूप दिखाया गया है, कैसा घर है, युवा छात्रावास है। ये तस्वीर जो है आदिवासी जीवन को लेकर पूरा व्याख्यान करती है, कैसे रहते हैं, क्या क्या पर्व है। ये बिरसा मुंडा संग्रहालय का जो परिसर है ये पहले जेल हुआ करता था, ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये पुराना ही परिसर है और ये दीवारें भी पुरानी हैं। तो इस ओर जो है आपको फिल्म महोत्सव, जो तस्वीर देख रहे हैं इधर फिल्म महोत्सव होने वाला है, पीछे जो है वहाँ पैनल डिस्कशन है और सामने सेमिनार हॉल है। तो ये है तस्वीर बिरसा मुंडा संग्रहालय के अंदर की। तो ये पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं ये सिद्धू कानू का है और ये संथाल हुल की नेतृत्व करने वाले चुन्नी मांझी के पुत्र सिद्धू कानू, चांद भैरव और उनकी बेटियां फूलो जानो के द्वारा की गई थी। उसमें 400 गांवों के लगभग 10,000 लोगों को इकट्ठा कर उस क्रांति की अगुवाई की थी और अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया था। तो 9 और 10 तारीख को होने वाला है झारखंड आदिवासी महोत्सव और इसको लेकर पूरी तरह से ये परिसर जो है पोस्टरों से पट चुका है। समृद्ध आदिवासी जीवन दर्शन की झलकियाँ, समृद्ध आदिवासी जीवन दर्शन की झलकियाँ, यहाँ पे पकवान हैं, यहाँ पे इनके पारंपरिक नृत्य हैं, पोशाक हैं, ये कलाकृतियाँ हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी, इस महोत्सव में देखने को मिलेगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहें लाइव लगातार सहयोगी ऋतिक के साथ। मैं शुभम किशोर, नमस्कार।